टांके से नकली नोट के साथ पकड़ाया गया युवक मतदाताओं को बांट रहा था 50 रुपए का नकली नोट। संजय नगर वार्ड में बांट रहा था नोट, पुलिस ने गिरफ्तार किया युवक को। युवक से पूछताछ फिलहाल जारी है। अधिक जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज नगरीय निकाय चुनाव लगातार मतदान कर रहे थे, उसी दौरान आज संजय नगर वार्ड में मतदान के दौरान नकली नोट के साथ युवक को कांग्रेसियों ने रंगे हाथ पकड़ा है। वहीं वोटरों को रिझाने, नोट बांटने का आरोप भी लगा रहे हैं। साथ ही नकली नोट के साथ यह युवक भाजपा प्रत्याशी का देवर बताया जा रहा है, जो कि इस वार्ड में मतदाता है, उन्हें 50-50 रुपए का नकली नोट दिया जा रहा था, जिसने कुछ युवकों ने देखा यहाँ नकली नोट है बोलकर उसके बाद उन्होंने कांग्रेसियों को बताया, जिसके बाद कांग्रेसियों द्वारा उस युवक को पकड़े, जिसके बाद युवक ने बताया किसके द्वारा दिया गया है, तो उसने बताया कि यह भाजपा इस वार्ड से खड़ी भाजपा के प्रत्याशी इसका देवर बताया जा रहा है, जिसके द्वारा इन सभी को 50-50 रुपए का नकली नोट बांटा जा रहा था, जिसके बाद कोतवाली पुलिस की मौके पर पहुंची और उस आपसी युवक को पकड़कर अभी थाने में ले आई है, जिसके बाद अभी पूछताछ जारी है। साथ ही पुलिस इस मामले पर प्रयास कर रहे हैं, अभी टर्मिनल सदन देख लिया जाएगा, जिसके द्वारा दिया गया था, ये पूछताछ होने के बाद ही कुछ खुलासा कर पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और बलरामपुर भी नगर